हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में जो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हमें बाय करना चाहिए कि उसको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या उसके फंडामेंटल्स है, कंपनी का अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है और आगे कैसी ग्रोथ रहेगी, उसका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसकी बेसिक डिटेल, उसका ग्रे मार्केट प्राइस, तो ये सारी चीज़ें हम ये वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे 1-on-1 मेरे को व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। या तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, आप वहाँ आके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद डायरेक्ट इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के साथ। अब इंडिगो पेंट्स के थोड़े डिटेल में जाते हैं कि इसमें दो टाइप के जो शेयर्स हैं जो इशू हो रहे हैं, पहला है कि फ्रेश इशू और दूसरा है ओएफएस, जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जो फ्रेश इशू हो रहा है वो हो रहे हैं 300 करोड़ के, और जो ओएफएस हो रहे हैं, जो ऑफर फॉर सेल, जो शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 58,40,000 के शेयर। इधर मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि फ्रेश इशू क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या रहता है। फ्रेश इशू जो इसमें डिसाइड है कि 300 करोड़ का है, राइट। अब 300 करोड़ क्या है कि 300 करोड़ जो फ्रेश इशू है वो कंपनी के पास जाएंगे उनके एक्सपांशन के लिए। फ्रेश इशू हमेशा कब असाइन होता है, जब कंपनी को एक्सपांशन करना रहता है। और ऑफर फॉर सेल जिसे हम कहते हैं ओएफएस, ओएफएस क्या होता है कि प्रमोटर्स के पास, जो मीन्स कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, वो अपने बेनिफिट, राइट, वो उनके डायरेक्ट जेब में जाएगा, वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, तो वो डायरेक्ट उनके जेब में आएंगे। वो कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, 58,40,000। तो इधर आपको फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिगो के आईपीओ के बारे में, राइट। ये 20 जनवरी को स्टार्ट होगा एंड 22 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 1488 से लेके 1490 तक है, राइट। ये 28 जनवरी को इसका जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगा, मींस जो लोग बिड करेंगे उनको, जिन जिनको अलॉट होता है वो 28 जनवरी को अलॉट हो जाएगा, जिनको अलॉट नहीं होता तो उनको 29 जनवरी को वो रिफंड हो जाएगा। एंड फर्स्ट फेब को जिनको अलॉट हुआ है उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और सेकेंड फेब को इंडिगो के आईपीओ की हमें लिस्टिंग देखने मिलेगी एनएससी और बीएससी में। अब जान लेते हैं कि इंडिगो के आईपीओ के फंडामेंटल्स के बारे में, कि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है इंडिगो का वो क्या है। तो चलिए मैं उसके लिए आपके लिए रीड कर देता हूं ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसका जो टोटल इनकम है 2018 में वो थी 4,000 मिलियन की 2018 में थी। 2019 में 5,372 मिलियन है इसका, और जो 2022 में 6,624 मिलियन है। तो हमें इधर क्लियरली एक चीज़ यहाँ पे देखने मिल रही है कि इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, बट क्या ये इसका जो टैक्स भरने के बाद है कि नहीं है, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, जो आफ्टर टैक्स इसका जो सारे एक्सपेंस अगर इसको निकाल देते, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2018 में 128 मिलियन हो रहा था, 2019 में 268 मिलियन इसको प्रॉफिट हो रहा था, 2020 में इसको 478 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। तो मींस इसके जो फंडामेंटल्स है इधर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं कि ये ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टेज पे है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, 2018 में 2.88 था, 2019 में 5.98 था, एंड 2020 में ये था 10.61। मींस इट्स अ वेरी गुड शेयर, जिसमें इधर क्लियरली इसके जो फंडामेंटल्स है वो हमें इधर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे इसमें बिड करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इसके ग्रे मार्केट प्राइस में, ग्रे मार्केट प्राइस क्या काम आता है। ग्रे मार्केट को हम कहते हैं डब्बा मार्केट, की जो शेयर आने वाला है उससे पहले उसकी डिमांड कितनी है या वो कितने ऊपर जो है वो लिस्ट होते हुए दिखेगा, उसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्राइस। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है वो 750 से 800 है। कल से दो दिन पहले जो शेयर मार्केट गिर रहा था कंटिन्यूसली, 1% निफ्टी गिरा, 1% अगले दिन वापस गिरा, बट इसके ग्रे मार्केट प्राइस को इतना इफेक्ट नहीं किया। तो हमें इजीली यहाँ पे 40-50% के हमें यहाँ पे लिस्टिंग गेंस देखने मिल सकते हैं। बट जैसे ही हमने इसके अभी फंडामेंटल्स चेक किए कि इसके फंडामेंटल्स और बुक वैल्यू भी काफ़ी हाईली स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर करंटली नज़र आ रही है। तो अगर जो लोग लिस्टिंग गेंस के लिए कमाते हैं, लिस्टिंग गेंस मीन्स कि आज जैसे आईपीओ में बिड किया, आईपीओ मिला, जैसे ही वो लिस्ट हुआ उसमें एग्जिट कर देते हैं,
तो जो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो वो मेरी तरफ से थम्स अप है कि वो आप लिस्टिंग के लिए, गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए IRFC से जो इससे एक ऊपर आएगा वो इंडिगो पेंट्स में आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो मेरी तरफ से इसमें बाय रिकमेंडेशन रहेगी इंडिगो पेंट्स में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आप फुल एक शेयर मार्केट कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।